हेलो ऑल, हम सिंगल इनहेरिटेंस के प्रोग्राम्स डिस्कस कर रहे हैं। सिंगल इनहेरिटेंस में हम यहाँ पर अब जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें हम कुछ स्पेशल चेंजेस करने वाले हैं और प्रोटेक्टेड किसी भी क्लास में प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड का इंपॉर्टेंस इस एग्जांपल में हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं, पहले मैं क्लास में कुछ चेंजेस कर देता हूँ क्लास स्ट्रक्चर में और उसी के हिसाब से फिर हम लोग यहाँ पर चेंजेस करेंगे। अभी तक जितने एग्जाम्पल देखे उसमें हमने स्टूडेंट क्लास और रिजल्ट क्लास ली। स्टूडेंट क्लास में रोल नंबर नेम था, गेट स्टूडेंट पुट स्टूडेंट फंक्शंस थे जो कि रोल नंबर और नेम को इनपुट और प्रिंट कराते थे। रिजल्ट क्लास में हमने मार्क्स डिफाइन किए थे और यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ फंक्शंस डिफाइन कर दिए थे और फिर हमने यहाँ पर पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस भी करके देखा। अब हम जो चेंजेस करने वाले हैं उसमें रिजल्ट क्लास में हम कुछ चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे? तो यहाँ पर जो रिजल्ट क्लास में मार्क्स हमने डिफाइन किए थे उसके कारण ये होता था कि जो गेट मार्क्स पुट मार्क्स और कैलकुलेट रिजल्ट फंक्शंस जब हम बनाते थे तो कैलकुलेट रिजल्ट फंक्शन में मार्क्स की ज़रूरत होती थी और मार्क्स जो कि रिजल्ट क्लास में ही अवेलेबल थे तो वो एक्सेसिबल भी थे। लेकिन अब मैं जो चेंज करने वाला हूँ वो कुछ इस तरीके से, इन मार्क्स को मैं रिजल्ट क्लास में न डिफाइन करके सबसे पहले कोशिश ये करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये मार्क्स अब स्टूडेंट क्लास में ही रहे। द फर्स्ट चेंज, आई वॉन्ट द मार्क्स टू बी इन द स्टूडेंट क्लास। अब रिजल्ट क्लास में यहाँ पर मैं दो मेंबर्स ऐड करता हूँ, वो दो मेंबर्स कौन से होंगे? सो दैट विल बी द रिजल्ट एंड परसेंटेज नाम के हम मेंबर्स यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। सो दैट इज आरईएस, आरईएस विल स्टोर द रिजल्ट एंड परसेंटेज विल स्टोर द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट। सो दीज विल बी द मेंबर्स इन द रिजल्ट क्लास। और अब यहाँ कुछ और चेंजेस होंगे, चूंकि मार्क्स अब स्टूडेंट क्लास में आ गए हैं इसलिए गेट मार्क्स और पुट मार्क्स की यहाँ जरूरत नहीं है, मैंने हटा देता हूँ। और यहाँ पर जो गेट स्टूडेंट फंक्शन होगा अब वो रोल नंबर नेम और मार्क्स को इनपुट कराने का काम कर लेगा। आपको अलग से गेट मार्क्स और पुट मार्क्स फंक्शन की जरूरत ऐसा सच नहीं पड़ेगी क्योंकि नॉर्मली किसी भी क्लास के प्राइवेट सेक्शन में या जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम इनपुट के लिए एक फंक्शन रखते हैं। तो यहाँ पर गेट स्टूडेंट नाम का फंक्शन यहाँ से सारी चीजें रोल नंबर नेम और मार्क्स ऑफ फाइव सब्जेक्ट्स आपके लिए इनपुट कर देगा और पुट स्टूडेंट फंक्शन रोल नंबर नेम और मार्क्स ऑफ फाइव सब्जेक्ट्स आपके लिए प्रिंट कर देगा। अब यदि मेरे क्लास का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है तो उस केस में यदि मैं सिंगल इनहेरिटेंस करना चाहता हूं तो अब हम कैसे करेंगे? सो नाउ इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं पहले। अब रिजल्ट क्लास में हमारे पास एक फंक्शन है कैलकुलेट रिजल्ट और रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए यू नीड मार्क्स, मार्क्स की जरूरत होती है। लेकिन मार्क्स रिजल्ट क्लास में भी होते, चाहे वो प्राइवेट सेक्शन में होते या प्रोटेक्टेड सेक्शन में होते, तो वो इस क्लास में कैलकुलेट रिजल्ट फंक्शन में एक्सेसिबल होते। लेकिन अब हमने जो मार्क्स है वो स्टूडेंट क्लास में रख दिए, उनकी जरूरत मुझे रिजल्ट क्लास में है, तो अब मैं रिजल्ट क्लास में कैलकुलेट रिजल्ट फंक्शन में इन मार्क्स को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट क्लास के प्राइवेट सेक्शन में डिफाइंड है अभी, और स्टूडेंट क्लास के प्राइवेट सेक्शन में डिफाइंड होने से मैं उन्हें सिर्फ स्टूडेंट क्लास में एक्सेस कर पाऊंगा, अब मैं उन्हें रिजल्ट क्लास में कतई एक्सेस नहीं कर सकता, तो फिर ये काम तो हो ही नहीं पाएगा। ऐसे ही समय में प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड पिक्चर में आता है। मतलब यदि ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोटेक्टेड, जब हमने विजिबिलिटी मोड देखा था तो उसकी जो फीचर्स देखे तो उसमें हमने पढ़ा था कि ये प्राइवेट मेंबर्स इनहेरिटेबल नहीं होते, लेकिन यदि कभी ऐसी सिचुएशन आए जब आपको प्राइवेट मेंबर्स को इनहेरिटेबल बनाना हो तो उन्हें आपको उनका रूप परिवर्तन करना पड़ेगा, एक्चुअली उनका भेष बदलना पड़ेगा, और उन्हें प्राइवेट न डिफाइन करके आपको उन्हें क्या डिफाइन करना चाहिए? प्रोटेक्टेड। तो अब मैं इन मार्क्स को M1, M2, M3, M4, M5 को प्राइवेट सेक्शन में न डिफाइन करके प्रोटेक्टेड सेक्शन में डिफाइन करूंगा। और अब ऐसा करने से ये जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स है वो इनहेरिट हो पाएंगे क्योंकि प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर इनहेरिटेबल। सुरक्षा का क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, हमने ये भी पढ़ा है कि यदि किसी क्लास में मेंबर प्रोटेक्टेड सेक्शन में डिफाइंड है तो उनकी सिक्योरिटी उतनी ही पुख्ता होगी जितनी की प्राइवेट मेंबर्स की है। बस अंतर यह होगा कि अब इन मेंबर्स को आप चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कर पाओगे, प्राइवेट मेंबर्स को आप इनहेरिट नहीं कर सकते। तो बात बन गई। अब क्या, अब हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मोड्स यूज करके ये देख सकते हैं कि यहाँ के मार्क्स यहाँ पर कहाँ जाएंगे। तो ये मोड्स तो अभी हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए, अभी हम पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस यूज करेंगे। आप फिर इसे प्रोटेक्टेड मोड और प्राइवेट मोड के लिए खुद करके देखिएगा। यदि मैं यहाँ पर पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस यूज करता हूँ तो पब्लिक मोड इज द सिंपलेस्ट वन एंड द सेफेस्ट ऑल्सो, सेफ भी है। तो यहाँ पर जब हम लोग पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस करेंगे तो अब क्या होगा, अब आप देखिए यहां से
पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस के कारण ये होगा कि यहाँ के जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स है वो पब्लिक इनहेरिटेंस के कारण क्या पब्लिक में जाएंगे? नहीं, प्रोटेक्टेड मेंबर्स इनहेरिट तो हो सकते हैं लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ पर जा सकते हैं? डिराइव्ड क्लास के प्रोटेक्टेड सेक्शन तक जा सकते हैं, मतलब या तो प्राइवेट में आ सकते हैं या प्रोटेक्टेड में आ सकते हैं, वो पब्लिक में नहीं आ सकते, भले ही आप यहाँ उन्हें पब्लिक में जाने के लिए कह रहे हैं पर वो नहीं पहुंचेंगे, रिस्ट्रिक्शन इज देयर। तो अब क्या होगा, ये मेंबर्स यहाँ पर प्रोटेक्टेड सेक्शन में आ जाएंगे और जहां इनहेरिटेंस के बाद ये मेंबर्स यहाँ प्रोटेक्टेड में आ जाएंगे तो मैं इन मेंबर्स को, मार्क्स को कैलकुलेट रिजल्ट फंक्शन में यूटिलाइज कर पाऊंगा, एंड दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड इन इनहेरिटेंस। और इसके बाद अब पब्लिक इनहेरिटेंस के कारण यहां से क्या होगा, फिर से ये जो गेट स्टूडेंट पुट स्टूडेंट फंक्शन है ये भी हमारे पास अवेलेबल होंगे, सो आई जस्ट मेंशन देम। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, गेट स्टूडेंट पुट स्टूडेंट यहाँ पे पब्लिक इनहेरिटेंस के कारण रिजल्ट क्लास के भी पब्लिक सेक्शन में पहुंच जाएंगे। और अब रिजल्ट क्लास के पब्लिक सेक्शन में तीन फंक्शंस होंगे जिन्हें आप ऑब्जेक्ट की मदद से इन्वोक कर पाएंगे या कॉल कर पाएंगे। तो हमारे यहाँ से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। कैलकुलेट रिजल्ट में, कैलकुलेट रिजल्ट में मार्क्स की जरूरत थी जो यहाँ नहीं थे, इनहेरिटेंस के कारण हम यहाँ ले आए, लेकिन उन्हें हमें रिजल्ट स्टूडेंट क्लास में प्रोटेक्टेड सेक्शन में डिफाइन करना पड़ा। साथ में गेट स्टूडेंट पुट स्टूडेंट भी अब आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है और अब आप अपना सारा काम कर सकते हैं। सो दैट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड। सो इस स्ट्रक्चर को अब हम यहाँ पर प्रोग्राम में देखते हैं कि कैसे काम होगा। आइए सो यहाँ पर कोड में देखते हैं, मैं पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस यूज करता हूँ अभी। तो पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस में क्या क्या चेंजेस, पहले तो हम जो चेंजेस करना चाह रहे थे वो कर देते हैं। बात यह हुई थी कि स्टूडेंट क्लास में प्राइवेट सेक्शन में रोल नंबर नेम रहेंगे और यहां पहली बार अब हम प्रोटेक्टेड मोड यूज करेंगे, तो प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस। और इसमें जो मार्क्स यहां हमने डिफाइन किए थे वो मार्क्स को मैं यहां ले जाता हूं। एक बार जब रन करेंगे हम प्रोग्राम तो यहां मैं आपको बताऊंगा कि यदि मैं इनको प्रोटेक्टेड से हटा के प्राइवेट में कर दूंगा तो क्या एरर्स आएंगी, वो भी हम लोग देखेंगे। गेट स्टूडेंट पुट स्टूडेंट फंक्शंस होंगे और यहां पर प्राइवेट सेक्शन में अभी हमने देखा था कि हमें दो नए मेंबर्स डिफाइन करने थे, दैट इज कैर ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट में या तो पास या फेल रहेगा तो 5 कैरेक्टर्स में आपका काम हो जाएगा, और दूसरा मुझे फ्लोट या डबल परसेंटेज नाम का वेरिएबल डिफाइन करना है। तो ये दो मेंबर्स हमने यहाँ पर डिफाइन किए। गेट मार्क्स पुट मार्क्स की यहाँ पर जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि हमने कहा था कि जो गेट स्टूडेंट पुट स्टूडेंट फंक्शन है वही अब आपके लिए काम कर देंगे, वो सारी डिटेल आपके लिए ले जाएंगे। तो ये और यहाँ पर हम मोड अभी के लिए पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पब्लिक ऑफ स्टूडेंट। सो इस तरीके से ये क्लास स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। देखिए एक बार फिर से, क्लास स्टूडेंट प्राइवेट सेक्शन में रोल नंबर नेम और प्रोटेक्टेड सेक्शन में मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, और पब्लिक सेक्शन में गेट स्टूडेंट और पुट स्टूडेंट फंक्शन डिफाइन कर दिया। रिजल्ट क्लास में हमने दो नए मेंबर डिफाइन किए क्योंकि मार्क्स अब यहाँ से प्राइवेट सॉरी स्टूडेंट क्लास में हमें डिफाइन करने को कहा गया था, तो यहाँ पर दो नए मेंबर डिफाइन कर लिए, रिजल्ट और परसेंटेज, और एक ही फंक्शन अब आपको बनाना है, दैट इज कैलकुलेट रिजल्ट। सो एक बार मैच करते हैं कि जो हम चाह रहे थे वैसा ही स्ट्रक्चर है या नहीं, आइए देखते हैं। तो ये देखिए पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस हम यहाँ यूज कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड में हमने मार्क्स को डिफाइन किया है, पब्लिक में गेट स्टूडेंट पुट स्टूडेंट है, और रिजल्ट क्लास के प्राइवेट में रिजल्ट और परसेंटेज है, और पब्लिक सेक्शन में कैलकुलेट रिजल्ट है। तो यहाँ तो आप कह सकते हो कि मुझे तो यहाँ गेट स्टूडेंट पुट स्टूडेंट और मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स भी दिख रहे हैं। तो ये सिर्फ यहाँ पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस के कारण ऐसा हुआ या इनहेरिटेंस के बाद से ये वहाँ पर विजिबल होंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। नाउ अगेन कम टू द कोड। सो यहाँ पर अब आपको फंक्शंस में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे गेट स्टूडेंट में पहले सिर्फ रोल नंबर और नाम आता था, लेकिन अब आपको मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स भी लेने पड़ेंगे। तो मैं लिख देता हूँ रोल नंबर नेम एंड मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। और यहाँ पर आपको ये इनपुट कराना पड़ेगा, क्यों ना मैं इसको यहाँ से यूज कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स, रोल नंबर नेम, मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, सो ऑल विल बी स्कैंड और इनपुट इन द सेम फंक्शन। तो रोल नंबर नेम एंड मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स आ गए। पुट स्टूडेंट में इन सबको आपको प्रिंट भी करना पड़ेगा। तो मैं मार्क्स को प्रिंट भी कर देता हूँ यहाँ पर, जस्ट पुट स्टूडेंट फंक्शन, और पुट स्टूडेंट फंक्शन में नेम के बाद मुझे मार्क्स भी प्रिंट कराने होंगे, तो मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया।
सो नेम मार्क्स, ओके डन। उसके बाद अब आपको गेट मार्क्स और पुट मार्क्स की जरूरत नहीं है, आई जस्ट डिलीट इट। तो गेट मार्क्स पुट मार्क्स इसको भी हटा देते हैं। सो यहाँ पर सिर्फ तीन ही फंक्शन है, स्टूडेंट क्लास के गेट स्टूडेंट और पुट स्टूडेंट फंक्शन। गेट स्टूडेंट फंक्शन में सारा काम हो जाएगा, स्टूडेंट का रोल नंबर, नाम, मार्क्स ऑफ फाइव सब्जेक्ट सारे इनपुट हो जाएंगे। पुट स्टूडेंट में सारी चीजें प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि अब ये सारी चीजें स्टूडेंट क्लास में है, भले ही प्रोटेक्टेड में तो क्या हुआ। और अब रिजल्ट क्लास में एक ही फंक्शन बचता है, दैट इज कैलकुलेट रिजल्ट। और यहाँ पर अब देखिए ये M1, M2, M3, M4, 5 यहाँ पर एक्सेसिबल है। क्यों एक्सेसिबल है? क्योंकि हम ऑलरेडी इनहेरिटेंस कर चुके हैं, जो मैं अभी कह रहा था। पहले हम इसको एक बार रन करते हैं, फिर हम इसमें चेंजेस करेंगे। तो अब ये मैसेज देने के बजाय हमारे पास जो दो मेंबर्स है उनमें हम इसको मेंशन करते हैं। यदि स्टूडेंट पास है तो हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज करते हैं, दैट इज strcpy। दिस विल कॉपी द पास स्ट्रिंग इन द रिजल्ट मेंबर एंड परसेंटेज परसेंटेज इज इक्वल टू जस्ट एड ऑल द मार्क्स, दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 डिवाइडेड बाय लेट्स से 5.0। दिस विल कैलकुलेट द फैक्टोरियल, ओह सॉरी परसेंटेज। एंड द सेम कोड आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट ओवर हियर, यहां पर लेकिन परसेंटेज विल जस्ट डिस्प्ले 0.0। एंड यहाँ पर रिजल्ट में हम यहाँ पर फेल लिख देते हैं, लेट्स से लाइक दैट। यहाँ पर एक एरर है, तो आई शुड ऐड द स्ट्रिंग क्लास, ओके लेट अस चेंज इट। कैमरा एक्शन, लास्ट वीडियो कट एट 12:03। कैमरा एक्शन, सो यहां पर ओके जस्ट चेंज इट टू CSTR, सॉरी। सो नाउ आई शुड थिंक यस द एरर हैज बीन रिजॉल्व्ड। सो नाउ विल जस्ट कंटिन्यू दिस। तो strcpy में हम लोग ने पास, यदि वो स्टूडेंट पास होता है तो हम लोग रिजल्ट में पास पेस्ट कर देंगे और रिजल्ट में फेल। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि कुछ एरर्स और आ रही है। ये एरर्स क्यों आ रही है? क्योंकि पब्लिक सेक्शन में अब आपके पास सिर्फ एक ही फंक्शन है, दैट इज कैलकुलेट रिजल्ट। गेट मार्क्स और पुट मार्क्स हम हटा चुके हैं, सो यहाँ से ये फंक्शन आप कॉल कर ही नहीं सकते, वो यहाँ है ही नहीं, इस क्लास में ही नहीं है, हमने बनाया ही नहीं है। गेट स्टूडेंट पुट स्टूडेंट से ही सारा काम हो जाना था। तो इस तरीके से अब रिजल्ट क्लास के पब्लिक सेक्शन में आपके पास सिर्फ एक ही फंक्शन है, सो आई विल यूज दैट फंक्शन। और अब इशू ये है कि गेट स्टूडेंट पुट स्टूडेंट जब हम कॉल करेंगे, एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं क्लास का। तो यहाँ पर गेट स्टूडेंट पुट स्टूडेंट आ चुके हैं। अब हम गेट स्टूडेंट पुट स्टूडेंट की मदद से पहले स्टूडेंट की डिटेल ले आएंगे, मार्क्स भी ले आएंगे, और रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए हम रिजल्ट क्लास का कैलकुलेट रिजल्ट फंक्शन कॉल करेंगे। ऐसा हम कर सकते हैं, तो चलिए वापस आते हैं। सो नाउ हियर टू गेट द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, तो आई विल कॉल r.getStudent और ये फंक्शन कॉल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आएगा r.putStudent और लास्ट में कैलकुलेट रिजल्ट फंक्शन आपके लिए रिजल्ट कैलकुलेट करके देगा। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम। नाउ स्टूडेंट क्लास पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग यूज कर रहे हैं। स्टूडेंट क्लास में मार्क्स प्रोटेक्टेड सेक्शन हमने डिफाइन किए, गेट स्टूडेंट टू स्टूडेंट फंक्शन डिफाइन किए, और कैलकुलेट रिजल्ट फंक्शन रिजल्ट क्लास में। लेट अस ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, सो आई रन दैट। और तो यहाँ पर आ रहा है, देखिए एंटर स्टूडेंट रोल नंबर नेम एंड मार्क्स ऑफ फाइव सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर मैं रोल नंबर टाइप करता हूँ 1, देन नेम इज लेट्स से 10, देन मार्क्स ऑफ फाइव सब्जेक्ट्स। करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रोल नंबर, नेम, नितिन, M1, M2, ये सारी चीजें दिख रही है। हाँ, लेकिन रिजल्ट और परसेंटेज नहीं दिख रहा है। वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोगों ने उन्हें डिस्प्ले नहीं किया। तो यहाँ पर आते हैं, रिजल्ट और परसेंटेज कैलकुलेट तो हो गया, लेकिन यहाँ आके हमें उसको डिस्प्ले करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी आउट, सो दैट इज रिजल्ट, रिजल्ट इज res,
result that is stored in RES, and then the percentage we have to display. So यहाँ पर मैं percentage display करा देता हूँ. Percentage is equal to or here line display PEI. So now again save it and execute this. Just save it and execute it. So here again enter student roll number, name, marks of 5 subjects. So just one, then name is, let's say, Nitin, marks. So here it is. रोल नंबर नेम मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स ये सब डिस्प्ले हो चुका है और साथ में रिजल्ट इज इक्वल टू पास एंड परसेंटेज इज इक्वल टू 83.6. तो ये भी हमारे पास यहाँ पर आ चुका है. सो यहाँ पर यदि मैं थोड़ा स्पेस दे दूंगा तो ये पास के बाद स्पेस भी होगा और आई कैन प्रिंट इट इन न्यू लाइन. साथ में मार्क्स में यहाँ पर हमें स्पेस देना होगा यहाँ पर. सो ये मार्क्स के साथ भी प्रिंट हो जाएंगे. ओके so this is the complete program. Again last time I will just run it. So it is asking me for the roll number, sorry, it is asking for the roll number, name and marks of 5 subjects. So here it is. So roll number name, then marks of 5 subject, result pass, percentage 70.1. so इस तरीके से आप यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो सिर्फ इसी एक पॉइंट को डिस्कस करने के लिए लिया है कि यदि आपके पास डिराइव्ड क्लास में ऐसा फंक्शन है जिसमें कि ऐसे मेंबर्स की जरूरत है जो प्राइवेट में डिफाइंड है, वो भी बेस क्लास में, पेरेंट क्लास में, तो पेरेंट क्लास से उन्हें चाइल्ड क्लास में लाने के लिए आपको पेरेंट क्लास में उन्हें प्रोटेक्टेड मेंबर्स डिफाइंड एज अ प्रोटेक्टेड मेंबर्स डिफाइन करना होगा. अब जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि यदि मैं इन्हें प्राइवेट में डिफाइन करता तो क्या होता. सो यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ. तो सारे मेंबर्स यहाँ पर प्राइवेट हो जाएंगे, मीन्स रोल नंबर नेम और मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट सब प्राइवेट हो चुके हैं. अब दिक्कत ये होगी कि ये प्राइवेट है, अब आप इन्हें इनहेरिट नहीं कर सकते. तो कैलकुलेट रिजल्ट नाम का फंक्शन होगा. देखिए यहाँ पर सब रेड लाइन आ गई. वाई? बिकॉज दे आर नॉट एक्सेसिबल नाउ. सो यही कारण है कि आप प्राइवेट मेंबर्स को इनहेरिट नहीं कर सकते, पर यदि करवाना हो तो आपको उन्हें प्रोटेक्टेड डिफाइन करना होगा. और अब यदि मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये एग्जीक्यूट होगा. सो लेट अस एग्जीक्यूट दैट. अगेन एग्जीक्यूटिंग, रोल नंबर इज 1, देन नेम इज, लेट्स से नितिन, मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, लेट्स से. सो हियर इट इज, द आउटपुट इज देयर. सो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो ये था कि हम प्रोटेक्टेड मेंबर्स का जो इम्पोर्टेंस है उस एग्जांपल से हम देख पाए कि जब भी कभी आपको ऐसा करना हो कि डायरेक्ट क्लास में कुछ मेंबर्स है जिनकी आपको ज़रूरत है लेकिन वो मेंबर्स बेस क्लास में डिफाइंड है, तो उन्हें बेस क्लास में आपको प्रोटेक्टेड डिफाइन करना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है. दैट्स ऑल अबाउट दी सिंगल इनहेरिटेंस एंड दैट टू बी विथ प्रोटेक्टेड मेंबर्स. थैंक यू.